नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल यानी समय सारणी जो आपकी आ चुकी है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे इंटरमीडिएट कक्षा यानी 12th क्लास के जो टाइम टेबल है 2020 के एग्ज़ाम्स का, वो इस वीडियो में उस पर हम बात करने वाले हैं किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीन कॉलम्स बनी हुई हैं जहाँ पे आपको दिनांक, समय और विषय के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपके जो पांच पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला पेपर जो है 18 फरवरी को घोषित किया गया है और पहला पेपर जो है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों, समय जो आपका शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक है, जिसमें आपको 3.25 घंटे दिए जाएंगे एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, सेकंड जो आपका पेपर है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो आपका पेपर है 20 फरवरी को है, ये भी आपका समय जो है 3.25 घंटे का है और शाम 2 बजे से 5:15 तक है। और दोस्तों, इसमें जो आपको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और अगला आपका तीसरा पेपर जो है 24 फरवरी को है और समय जो है आपका सेम समय है और केमिस्ट्री का पेपर है यानी रसायन विज्ञान का पेपर आपको 24 तारीख को देना है। और आपका अगला पेपर है इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम है 26 तारीख को है, इसमें भी आपको एक दिन की छुट्टी दी गई है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। समय जो है आपका 2 से 5:15 बजे तक है। और दोस्तों, आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है यानी आप PCM से हैं तो आपका मैथ का एग्ज़ाम है, आप PCB से हैं यानी बायोलॉजी से हैं तो आपका बायो का एग्ज़ाम है 29 फरवरी को, और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैथ का एग्ज़ाम है उनका 29 फरवरी को।